हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नितिन मस्के। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट अर्बन स्किन एंड हेयर क्लिनिक पुणे। आज हमारे साथ है शुभम। इनको लास्ट एक साल से हेयर फॉल का इशू हो रहा था। इनका ग्रेड फर्स्ट से लेके ग्रेड सेकंड तक प्रोग्रेशन हो रहा है। मिनिएचराइजेशन ऑफ ग्राउट्स या फिर थिनिंग उनको शुरू हो चुकी है। हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए ये हमसे कंसर्न ले रहे थे। हमने कुछ मेडिसिंस और मिनोक्सिडिल इन्होंने स्टार्ट किया है। इसी के साथ हम आज इनके PRP करने वाले हैं। PRP एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी रहती है, जिसमें कि हम 10 ml इनका ब्लड लेते हैं, उसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं। आफ्टर सेंट्रीफ्यूज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है और ब्लड सेपरेट हो जाता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम स्लोली फ्रंट एरिया में उसको इंजेक्ट करते हैं, जिसके कारण जो हेयर फॉल है और जो हेयर थिनिंग है वो कंट्रोल में आ सकती है। इसी के साथ हेयर थिनिंग और हेयर फॉल का इशू सॉल्व हो सकता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जब हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने से पहले हम लोकल एनेस्थीसिया फ्रंट एरिया में स्प्रे करते हैं, उसके बाद हम स्लोली उसको इंजेक्ट करते हैं। तो पूरी प्रोसीजर हम आप डिटेल में समझाएंगे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP थेरेपी हम कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। ये PRP ट्यूब है, इसमें हमने नियर अबाउट 10 ml टू 12 ml ब्लड लिया था। इसको 3000 RPM पे हमने सेंट्रीफ्यूज किया था। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ब्लड पूरा नीचे सेपरेट हो चुका है, ऊपर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, ये जो ब्लड और प्लाज्मा में एक छोटा सा लेयर है जो कि एकदम ऐसे थिक लेयर रहेगा, वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है जिसको हम इंजेक्ट करते हैं हमारे फ्रंट एरिया में या फिर स्काल्प में, जिसके कारण प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जब इंजेक्ट करते हैं तो प्लेटलेट डिराइड ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे सप्लाई होते हैं, और बिकॉज ऑफ प्लेटलेट डिराइड ग्रोथ फैक्टर्स उसे अच्छे से न्यूट्रिशन और हेयर थिनिंग जो हो रहा है उसमें अच्छे से फ़ायदा हो सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं PRP प्रोसीजर। अभी हमने PRP प्रोसीजर कंप्लीट की है। फ्रंट एरिया में जहाँ जहाँ बाइंडनेस था, थिनिंग था, वहाँ पे हमने PRP इंजेक्ट किया है। PRP इंजेक्ट करने के बाद हम लेज़र लाइट थेरेपी लेते हैं, लो लेज़र लाइट थेरेपी, जिसमें हम एक मास्क लगाएंगे जो कि अपने आँखों को प्रोटेक्ट करेगा। स्लोली उठ जाइए। और एक लो लेज़र लाइट जो मशीन है हम वो लगाएंगे, जिसके साथ वो लेज़र बीम हमारे बालों के ऊपर आते हैं, रूट्स के ऊपर आते हैं। इसका एक प्रिंसिपल है, लेज़र हेयर रिमूवल जब भी हम लेते हैं तो उसमें देखा गया है कि लेज़र हेयर रिडक्शन होता है, उसी के साथ बाजू में एकदम थोड़े थोड़े से बाल में ग्रोथ भी होती है। तो उसमें देखा गया है कि एकदम लो लेज़र लाइट जब हम यूज़ करते हैं तो वो बालों के लिए अच्छा रहता है, मतलब उसकी जो ग्रोथ है उसको वो बढ़ाता है। इसीलिए हम ये लो लेज़र लाइट का जो एक डिवाइस है हम यूज़ करते हैं आफ्टर PRP, जिसके कारण होने वाली जो थिनिंग है और जो बालों में जो कमज़ोर है वो पोटेंट हो जाएंगे और उसका अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सकता है बिकॉज ऑफ PRP ऑल्सो। तो उसको जो थिनिंग है वो कंट्रोल में आएगी और हेयर फॉल हमारा कंट्रोल में आ सकता है। तुम्हें सगळं डिस्कस